आईटीसी कंपनी। बच्चों ध्यान दीजिए, आप हैं ओमचेरी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, आप सभी लोग का स्वागत और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है? देखिए, रक्षाबंधन पर्व के बारे में कई किंवदंती कई कहानियां हैं, लेकिन सही मायने में अगर देखें तो रक्षाबंधन पर्व रक्षा सूत्र बांधते हैं। आप कलावा या रेशमी या सूत का नारा या कलावा भी बांध सकते हैं, तो ज्यादा दिन तक आपको अपने हाथ पर हथेली में रखना होगा राखी को या रक्षा कलावा को, क्योंकि आप एक संकल्प लेते हैं। गुरु को अगर रक्षा बांध रहे हैं या गुरु आपको रक्षा बांध रहे हैं तो गुरु के संरक्षण का, गुरु के प्रति समर्पित होने का संकल्प आप लेंगे। यदि आपको बहन रक्षा बांध रही है तो उसकी रक्षा का संकल्प लेंगे, उसकी सुरक्षा का संकल्प लेंगे। यदि आपको कोई राजा राखी बांध रहा है, यदि आपको कोई प्रजा राखी बांध रही, तो कई तरीके से रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम था, जो कि भारतवर्ष में ही बहुत ही संपन्नता से हमारे सनातन धर्म में बड़ी खूबसूरती से बनाया गया। तो रक्षा सूत्र बांधने के साथ एक और संकल्प लेना है। संकल्प ये एक है कि कोई भी असहाय की सहायता करिए, ये भी रक्षाबंधन का एक मूल है। ये आप लोग को नहीं पता होगा कि किसी भी असहाय निर्धन या जो त्योहार के दिन खुश न दिखे, जो असक्षम हो, जो क्षम न हो, असक्षम हो लेने के लिए मिठाई या अपने जो मनोवांछित खुशियां जो आप रक्षाबंधन मनाते हैं उसको खरीदने के लिए असमर्थ हो, आप यथासंभव जो आप कर सकते तो कंट्रीब्यूट करके भी उनकी मदद कर सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं, जैसे कि अपन जन्म दिवस पर करते हैं उसी तरह सेम रक्षाबंधन पे करेंगे। असहाय निर्बलों के लिए सहायता किसी भी संस्था में जाके दान, या फिर सर्वसम्मत आप अपना जो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उनको भी आप कुछ देंगे और एक संकल्प लेंगे कि हम सदैव रक्षा करेंगे और एक प्रसन्नतापूर्ण वातावरण स्थापित करेंगे और एक विश्व कल्याण का जो हमारा संकल्प सनातन धर्म में चलता है, सबका कल्याण और सबकी निरोगता का संकल्प लेता है। जैसे कि हमने देवी से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कहते हैं, देवी प्रसन्न तिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातो जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाए विश्वम तमेश्वरी देवी चराचर। मतलब पूरे चराचर विश्व की सनातन कामना करता है कि देवी इस सारे विश्व का कल्याण करे। तो इसी तरह से रक्षाबंधन में सबका कल्याण और सभी के साथ समर्थता से खुशी से त्योहार हम रक्षा पर्व मनाते हैं। रक्षा सूत्र को आप महीनों, दो महीने, तीन महीने तक जरूर बांधिए, राखी ये एक संकल्प लीजिए तो आपको याद दिलाता है वो रक्षा सूत्र संकल्प। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कृषि योजना और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश जी के, क्योंकि स्टेट प्रोविंशियल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विच विल हेल्ड ऑन 22nd ऑफ डिसंबर UPRO एग्जामिनेशन एंड यूपी अपर सबॉर्डिनेट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विच विल हेल्ड ऑन 27th of 2024। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान विशेष में कृषि योजना कार्यक्रम जो कि ने चालू किया है आईटीसी कंपनी द्वारा, आईटीसी कंपनी द्वारा यूपी के 51 जिलों में, आईटीसी कंपनी द्वारा यूपी के 51 जिलों में स्थापित की गई है। क्या स्थापित की गई? आईटीसी कंपनी द्वारा यूपी के 51 जिलों में स्थापित की गई है दो हजार ई चौपाल। चौपाल क्या होता है? न्याय के लिए, चर्चा के लिए, जो भी विषयों पर हम चर्चा पर चर्चा का दौर स्थापित करते हैं, उसको हल निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, कार्यक्रम को बताते हैं, कार्यक्रम की समस्याओं का निराकरण करते हैं, उसको हम चौपाल बोलते हैं। ई चौपाल जैसे कि आप जूम पे और तमाम ऐप पे लॉकडाउन के दौरान आप लोग वेबिनार क्लासेस स्कूल के करते थे और कॉलेज के क्लासेस अटेंड करते थे ऑनलाइन, तो उसी तरह ई का मतलब होता है ऑनलाइन। तो ई चौपाल का निर्धारण करते हैं
वेबकैम के माध्यम से वहां पर चौपाल लगा दी जाती है, कई लोग सम्मिलित हो जाते हैं। तो 2000 चौपालों की स्थापना आईटीसी कंपनी द्वारा यूपी के 51 जिलों में स्थापित की गई है। यूपी में राज्य कृषि उत्पादन मंडल मंडली परिषद की स्थापना की गई। कब की गई? 1973 में। ध्यान दीजिए बच्चों, ये यूपी जीके है, कृषि योजनाएं और कृषि कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के समस्त कृषि योजनाएं और कृषि कार्यक्रम पे चर्चा परिचर्चा का दौर हमने स्थापित किया है। आईटीसी कंपनी द्वारा यूपी के 51 जिलों में स्थापित की गई 2000 ई चौपाल और यूपी में राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना, मंडी या मंडली परिषद जो भी होगा ये करेक्ट है, मंडी परिषद मुझे लगता ही होगा, हालांकि बुक में मंडली लिखा है, मंडी होगा ये, मंडी परिषद ही होना चाहिए। यूपी में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में हुई। इसके साथ ही साथ भारत में, अब भारत की बात कर ले रहा हूं मैं यहां पर, भारत में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र है। कितने हैं पूरे भारत में? आपके इंडिया में है कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र, लेकिन यूपी में कितने हैं? क्वेश्चन हमारे पास है यूपी में, अभी क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा कि यूपी में कृषि विज्ञान केंद्र है 89। हमारे पास ये रिक्वायर्ड डेटा है अप टू मार्च 2022 तक, हमारे पास ये डिटेल था कि मार्च 2022 तक यूपी में कृषि विज्ञान केंद्र है 89, अभी और बढ़ गया होगा अगर नहीं स्थापित होंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश को लोग यूपी बोलते हैं, यूपी में विनियमित मंडियां, ये सारे प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट, और उपमंडियां, जबकि एक ब्रांच होती है तो उसको उप लगाया जाता है, उपमंडियां है। कितनी उपमंडियां और मंडियां हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में? विनियमित मंडियां, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, यही मंडी से मतलब है, और उपमंडियां है, मंडियां और हाँ ये आ लिखा है उपमंडियां। तो देखिए हमारे पास जो मंडियां है यूपी में 251, और वह का मतलब और, अगला पूछा गया है उपमंडियां, सब उप का मतलब सब होता है, तो उपमंडियां हमारे पास है 381, 251 मंडी है और 381 उपमंडी है हमारे पास यूपी में। मंडी परिषद के तहत, मंडी परिषद के तहत वर्तमान में यूपी में कितने क्रियाशील किसान बाजार है? तो हमारे पास है 4 किसान बाजार। मंडी परिषद के अनुसार हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश में मंडी परिषद के तहत हमारे पास 4 किसान बाजार हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू होगी ये तो आप जानते होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू होगी? 1999 से 2000 ईस्वी से लागू हुई, 1999 से लेकर 2017 से लागू हो गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान बही योजना कब लागू हुई? खाता बही होता है ना टीचर, रिकॉर्ड जो रखते हैं पूरा, क्या हिसाब किताब है। खाता बही योजना किसके लिए? जोतों की जानकारी हेतु। ये कृषि क्षेत्र वाले बहुत अच्छा जानेंगे, जो गांव के बच्चे हैं
जोतों की जानकारी हेतु, जोतों की जानकारी के लिए कितनी जोत जोती गई उसके लिए किसान बही योजना चलाई गई, ये 1992 से है। यहां देखिए 1992 से किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 2000 से, और किसान बही योजना, बही योजना ध्यान दीजिए, बही खाता बही, किसान बही योजना जोतों की जानकारी हेतु 1992 से, किसान मित्र योजना सारा उत्तर प्रदेश के लिए हम पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश जीके, किसान मित्र योजना यह होती है कृषि के संबंधित जानकारी के लिए कि कृषि कैसे करें, बीया कैसे डालें, उन्नत किस्म की खेती के लिए क्या करना होगा, किस तरीके से खेती करें कि आप उन्नत हो जाएं, ज्यादा उत्पादन करें कम लागत में। तो किसान मित्र योजना कृषि संबंधी जानकारी हेतु 18 जून 2001 से, 18 जून 2001 से लागू हुई। राष्ट्रीय कृषि और मौसम नेशनल लेवल का, ध्यान दीजिए बच्चों, राष्ट्रीय कृषि और मौसम आधारित फसल बीमा योजना, आधारित फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि और मौसम आधारित फसल बीमा योजना कब लागू की गई, 14 फरवरी 2014 से, कब से, 14th of Feb 2014 से। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति, हरित क्रांति हरियाली लाने के लिए, खेती को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए चलाई गई कि विस्तार योजना, जानते होंगे आप हरित क्रांति क्यों चलाई गई थी, विस्तार उप योजना लागू की गई 2010-2011 सत्र से। ध्यान देते रहिए, सोडिक लैंड, सोडियम जहां जाता जाता होता है जिस धरती में उसको सोडिक लैंड लैंड कहते हैं, रिक्लेमेशन, सोडिक लैंड मतलब भूमि रिक्लेमेशन परियोजना प्रोजेक्ट सेकंड, सॉरी थर्ड, जो कि 32 जिलों के लिए, 32 जिलों में ऊसर, ऊसर सुधार मतलब कि जो भी आपकी बंजर हो रही ऊसर हो रही वहां खेती नहीं करो, उसको सुधार करने के लिए, और 12 जिलों में, कितने जिलों में, 12 जिलों में बीहड़ सुधार, जब अतिरिक्त मिट्टी का कटान होगा नदी के किनारे तो वहां बीहड़ का निर्माण होता है चंबल के तटवर्ती और घाटी इलाके में, तो उस केस में क्या होता है कि जब बीहड़ का निर्माण हो जाएगा वहां खेती वाली नहीं हो पाती, वहां पर हमारे बीहड़ में आपने सुना है कि यूपी में बीहड़ में डाकू छिपते हैं, राजस्थान के बीहड़ों में डाकू छिपते हैं, चंबल नदी का जो किनारा इलाका है मिट्टी का ऐसा मृदा का अपरदन करता है, इस तरीके से वो जल मृदा का अपरदन करता है कि वहां बड़े बड़े बीहड़ का निर्माण होता है जिसमें की डाकू छिपते हैं, तो वो थी बीहड़। तो हमारा सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट थर्ड, इसमें 32 डिस्ट्रिक्ट में ऊसर सुधार और साथ ही साथ 12 डिस्ट्रिक्ट में हमारे बीहड़, बीहड़ का सुधार, यानी कि बीहड़ नहीं बनने चाहिए, खेती हम कहां करेंगे, बीहड़ सुधार के लिए हमारे पास जो योजना थी सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट थर्ड 2009 से 2018 तक, आम आदमी बीमा योजना, ये तो आप जानते होंगे, आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 वर्ष भूमिहीन मुखिया के लिए, जिसके पास भूमि नहीं है उसके लिए आम आदमी बीमा योजना चलाई गई, जिसमें भूमिहीन मुखिया है 1 नवंबर 2008 से,
1 नवंबर 2008 से। आप लोग हमें रिवीजन बुक निकाली है बच्चों, हम रिवीजन कराते हैं उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप हैं कॉमटेरिया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे और आप पढ़ रहे हैं यूपी जीके स्पेशल। अपनी रिवीजन बुक निकालिए। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं प्रांतीय अपर सबॉर्डिनेट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विच विल हेल्ड ऑन 27th of 2024 and also review officer, assistant review officer examination which will be held on 22nd test of 2024 organized by Uttar Pradesh Public Service Commission. We have prepared for UP GK. Some questions asked in examination from UP GK, near about 9-10 questions out of 150 questions. तो इसके लिए हम यहाँ पर कृषि योजना और कार्यक्रम चला रहे हैं उत्तर प्रदेश की आईटीसी कंपनी के द्वारा यूपी में 51 जिलों में स्थापित की गई 2000 ई चौपाले। यूपी में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में की गई। भारत में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। वहीं पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 89 कृषि विज्ञान केंद्र है। हमारे पास डेटा अवेलेबल है मार्च 2022 तक का। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विनियमित मंडियां और विनियमित उपमंडियां है। हमारे पास विनियमित मंडियां है 251, विनियमित उपमंडियां है 381। मंडी परिषद के तहत वर्तमान में यूपी में क्रियाशील है 4 किसान बाजार। कितने किसान बाजार क्रियाशील है उत्तर प्रदेश में इस समय मंडी परिषद के तहत? मंडी परिषद के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4 किसान बाजार क्रियाशील है। किसानों के लिए 4 बाजार यहां पे लगते हैं उत्तर प्रदेश में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्थापित हुई 1999 से 2001 से और किसान पही योजना जोतों की जानकारी के लिए चलाई गई है 1992 से। किसान मित्र योजना कृषि संबंधी जानकारी के लिए चलाई गई 18 जून 2001 से। राष्ट्रीय कृषि मौसम आधारित फसल बीमा योजना चलाई गई 14th of Feb 2014 से। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की विस्तार उप योजना 2010-2011-17 से चलाई गई। सैंडिक सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट थर्ड जो कि 32 डिस्ट्रिक्ट में ऊसर सुधार के लिए और 12 डिस्ट्रिक्ट में पीहड़ के सुधार के लिए ये 2009 से लेकर 2018 सन तक चलाई गई योजना। आम आदमी बीमा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोकस दिस। आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 वर्ष तक के भूमिहीन मुखिया के लिए, किसके लिए? आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 वर्ष के भूमिहीन मुखिया के लिए 1st ऑफ नवंबर 2008 से चलाई जा रही योजना है उत्तर प्रदेश। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर नोट डाउन गिवन इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम पूरी जानकारी को संक्षिप्त में समाहित करें क्योंकि सिलेबस हमारे पास जो है बहुत ही ब्रॉड, पहाड़ जैसा सिलेबस, एक निर्धारित समय में एग्जामिनेशन, बड़ा संघर्ष है विद्यार्थियों की समझ। आइए देखते हैं और कितने क्वेश्चन हम यहाँ पर कर सकते हैं। 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रही है। 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रही है 45 जिलों में। कितने जिलों में चल रही है? 45 डिस्ट्रिक्ट में 45 जिलों। सारा कुछ आप लोग नोट डाउन करते रह करिए बच्चों। नई उत्तर प्रदेश, नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति
नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रख्यापित की गई। क्वेश्चन याद रखिए बच्चों, जनवरी 2023 में, ध्यान दीजिएगा, जैन 2023 नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रख्यापित की गई। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति, सारी चीजों के लिए देखे बच्चों नीति बनती है, नीति कार्यक्रम बनता है, प्रख्यापित की गई। ये कब प्रख्यापित की गई, उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति प्रख्यापित की गई 2014 में। आलू का क्षेत्र हमारा फर्रुखाबाद आगरा मेजरली, ताज के नाम से ब्रांड लॉन्च करते हैं उत्तर प्रदेश में, ताज ब्रांड का आलू बिकता है आगरा से और फर्रुखाबाद। ध्यान दीजिए 2014 में किसान पाठशाला योजना, किसानों को बताते हैं किस प्रकार से आपको खेती करनी है, कैसे कैसे बीजों को डालना है, कब रबी की फसल बोनी है, कब खरीफ की फसल बोनी है, कब जायद की फसल बोनी है या काटनी है, बीए को किस तरीके से डालना है, आपको ट्यूबवेल से किस प्रकार सिंचाई करनी है, किस माध्यम से सिंचाई करनी है, उत्तर प्रदेश में किस माध्यम से सिंचाई होती है, बीया अगर आपका संकर प्रजाति का है तो उसको कितने पानी की जरूरत है, बीया अगर आपका रूप प्रजाति का है, मूल प्रजाति का, तो उसको कितने पानी की जरूरत है, कितने टेम्परेचर पर कौन सी फसल उगेगी, ये सारी जानकारी, और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए भी। तो जितना ज्यादा उगाएंगे, जितना उन्नत खेती करेंगे किसान हमारे देश के प्रदेश के, उतना अच्छा इनको आय में वृद्धि मिलेगी, उतना ज्यादा पैसा ये कमाएंगे। तो इसके लिए प्रोग्राम है किसान पाठशाला योजना, किसानों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए, ताकि वो उनकी आय अपनी बढ़ा सके किसान, इसके लिए किसान पाठशाला योजना चालू की गई दिसंबर 2017 से। कब से किसान पाठशाला योजना चलाई गई उत्तर प्रदेश, किसान पाठशाला योजना किसानों को शिक्षित और जागरूक बनाकर उनकी आय में वृद्धि करने के लिए दिसंबर 2017 से चलाया गया किसान पाठशाला योजना। यूपी में जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, नाम सुना होगा, जैविक खेती हेतु मॉडल, के रूप में चयनित, मॉडल के रूप में चयनित जिला। उत्तर प्रदेश में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला है हमीरपुर, बांदा के पास हमीरपुर है बच्चों, या आप जिला जल्दी नाम नहीं जानते होंगे, बांदा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमीरपुर है। उत्तर प्रदेश में जैविक खेती हेतु क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है 39 जिलों में, कितने जिलों में, 39 जिलों। देख लीजिए 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चलाई जा रही है 45 जिले में। नई यूपी खाद प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रख्यापित की गई जनवरी 2023। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति प्रख्यापित की गई 2014 में। किसान पाठशाला योजना, जो कि किसानों को शिक्षित और जागरूक बनाकर उनकी आय में वृद्धि करने हेतु चालू की गई दिसंबर 2017 में। यूपी में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला है हमीरपुर जिला, और यूपी में जैविक खेती हेतु क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है 49 जिलों में, कितने जिले में, 49 जिलों में दिया जा रहा है। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता,
जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला है। स्थापित की जा रही कहां कहां पर जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं मेरठ और वाराणसी में। वह का मतलब और होता है, ध्यान दीजिए, मेरठ व वाराणसी में। आपको हिंदी का भी समुचित ज्ञान बच्चों होना चाहिए। हिंदी दिवस हर जगह मनाया जाता है, हिंदी का प्रयोग आपको करना है। आपकी राष्ट्रभाषा राज्यभाषा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हिंदी, आपके देश की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं मेरठ में और वाराणसी में। किसके लिए? जैविक उत्पादों की गुणवत्ता हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं मेरठ में और वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में दो जगह जैविक उत्पादों की गुणवत्ता हेतु